हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग मजे में होंगे। आज हम लोग करिस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण के बारे में जानेंगे। जब कोई दो सरल रेखाएं, चाहे वो समांतर हो या असमांतर, तीसरी रेखा जिसको हम लोग तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो कुछ एंगल हमको बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे चित्र में एंगल वन और एंगल टू, जिसमें ये दोनों इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, जिसमें एक अंतर कोण है और दूसरा वहिंस कोण, उसी प्रकार से कुछ और कोण दिखाई देता है। एंगल थ्री एंगल फोर, एंगल फाइव एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंगल एट, इन सभी कोणों के समूह को हम लोग संगत कोण कहते हैं। जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण और सामने के बहिष्कोण को हम लोग संगत कोण कहते हैं। जैसे चित्र में एंगल वन और एंगल टू, जिसमें एंगल वन एक्सटीरियर एंगल है और एंगल टू इंटीरियर एंगल है। एंगल थ्री और एंगल फोर, जिसमें एंगल थ्री इंटीरियर है और एंगल फोर एक्सटीरियर है। एंगल फाइव एंगल सिक्स, जिसमें एंगल सिक्स इंटीरियर है और एंगल फाइव एक्सटीरियर है। एंगल सेवन एंगल एट, जिसमें एक एंगल सेवन इंटीरियर है और एंगल एट एक्सटीरियर है। अब हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में और जानकारी लेते हैं। चित्र में फोर पेयर्स करेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं और ये चारों एंगल इक्वल हैं। अब हम लोग इन दोनों पैरेलल लाइंस को नॉन पैरेलल करके देखेंगे। चित्र में देख रहे हैं हम लोग, जब ये लाइन नॉन पैरेलल हो गई है और ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, तो एंगल वन और एंगल टू लगातार चेंज हो रहे हैं। हम लोग दूसरे पेयर के लिए देखेंगे, एंगल थ्री और एंगल फोर। जब हम ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। हम लोग तीसरे पेयर के लिए देखेंगे। अब तीसरे पेयर में एंगल फाइव और एंगल सिक्स को देखें, ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करने पर यह वैल्यू लगातार बदल रही है। चौथे पेयर के लिए एंगल सेवन और एंगल एट, ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करने पर यह एंगल पेयर का मान लगातार बदल रहा है। तो इससे पता चलता है कि जब दो लाइंस नॉन पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। हम लोग देखेंगे ये दोनों लाइंस जब पैरेलल हो जाए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है। चौथे पेयर के लिए देखेंगे, एंगल सेवन और एंगल एट, जब दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनका मान इक्वल है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करने पर इसकी वैल्यू तो बदल रही है, लेकिन ये दोनों सेम रह रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग अदर पेयर के साथ देखेंगे। एंगल थ्री और एंगल फोर को देखिए, जब ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करें, तब भी हमारा मान वही सेम टू सेम रह रहा है। एंगल का मान चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों सेम रह रहा है। अब दूसरे पेयर के लिए एंगल फाइव एंगल सिक्स, ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करने पर इस एंगल का मान तो बदल रहा है, लेकिन सेम टू सेम रह रहा है। एंगल फाइव और एंगल सिक्स एक ही रह रहा है। अब एंगल वन और एंगल टू को देखेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के पोजीशन को चेंज करने पर यह मान तो बदल रहा है, लेकिन दोनों के मान सेम रह रहा है। इससे पता चलता है कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइन को कट करे, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, और जब जब दो पैरेलल लाइंस हो और उसको तीसरी लाइन कट करे, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। हम लोग इसी चीज को दूसरे तरीके से समझेंगे। चित्र में हमको दो पैरेलल लाइंस दिख रही है और उसको तीसरी लाइन कट कर रही है, तो हम लोग देखेंगे कि जो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है क्या इक्वल है। हम लोग देख रहे हैं कि यह जितना एंगल आया यह है, उतना ही यह भी है। हम लोग दूसरे पेयर को देखेंगे, ठीक उसी तरीके से अब तीसरे पेयर को देखेंगे। हम लोग अब चौथे पेयर को